स्टार्ट लिस्ट पर स्नैच में। भारत के अचिंता शिवली 135 किलो का भार उठाएंगे, तो अभी तक उनका नंबर आया नहीं। सबसे ज्यादा भार उठाने का प्रण उन्होंने किया है। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी सुनील तनेजा। सुनील वेलकम। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि है इनकी, और इनका जो प्रोफेशन था पहले उजरी का काम, और उसके बाद अब ये जब से वेट लिफ्टिंग में आए हैं, जाहिर है कि काफी उम्मीदें इनसे बढ़ गई हैं। 135 को रिवाइज करके 137 कर लिया है शिवली ने, क्योंकि शैड डार्सिनिया पहले ही 135 लिफ्ट कर चुके हैं। एक सौ सैंतीस की पहली कोशिश ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के इन्होंने मुकम्मल कर ली है। 143 का पर्सनल बेस्ट है, तो शुरुआत 137 से। फिलहाल नंबर एक अचिंत शिवली बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सफाई के साथ 137 का ये जो आंकड़ा है वो उन्होंने हासिल किया। एकाग्र, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एकाग्र किया था लिफ्ट से पहले, वो उनके मजबूत इरादों को दर्शाता है। कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि उनके पैर कांपते रहे। पहली लिफ्ट बिल्कुल स्मूथ लिफ्ट अचिंता शिवली की, जिनका संभवतः पहला जो अटेम्प्ट था वो इनवैलिड था, और इसीलिए वो जो फासला है वो इस अटेम्प्ट में पूरा करना चाह रहे हैं। हासिल कर लिया उन्होंने 138, और बहुत ही स्टाइल के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। का दूसरा अटेम्प्ट, यानी 3 किलो अभी बढ़ाएंगे और 3 किलो अगली बार बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। और अगर इनके प्रतिद्वंदियों की बात करें संजय दा, तो सिर्फ एक जैक सिमोन ओलिवर हैं, इनफैक्ट उनके भी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, सिर्फ इन्हीं के 2 अटेम्प्ट अभी बैक टू बैक होने बाकी हैं। यानी कि चाहे दूसरा या तीसरा जो भी अटेम्प्ट कामयाब होगा, ये टॉप पर होंगे स्नैच में। 140 के लिए जा रहे हैं, 141 पहले था जिसे थोड़ा सा रिड्यूस किया इन्होंने, 140 पे आए हैं। बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, बढ़िया सपोर्ट, लोअर बॉडी का शानदार सपोर्ट, चेहरे पर किसी तरह का दबाव या तनाव का एक लक्षण भी नहीं। अद्भुत प्रदर्शन, शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर किस तरह से आप बड़े लक्ष्य को जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, अचिंत शिवली की लिफ्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है। जब नाम ही अचिंत है तो चेहरे पर कोई चिंता, कोई भाव, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। और 143 ही इनका पर्सनल बेस्ट है, उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। जो आप कह रहे थे बुद्धिमत्ता, जो पहले आप कर चुके हैं वही कीजिए, जितनी लीड आसानी से बनती दिखाई दे रही है बनाइए, अगर वो आपकी मजबूरी ना हो। अब आपको जीतना है और आपके पर्सनल बेस्ट से बेहतर करना आपका मजबूरी है तो आप करेंगे, लेकिन यहां पर समझदारी का परिचय देते हुए बिल्कुल कामयाब, बिल्कुल कामयाब। 143 थर्ड लिफ्ट में अचिंत ने कर दिया कमाल, और 5 किलो का फासला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर स्नैच की जो कैटेगरी है उसमें बढ़िया एडवांटेज मिलेगा सुनील ने क्लीन एंड जर्क में। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, मजबूती थी इनके इरादों में। 143 का पर्सनल बेस्ट जो किया था उसे बराबर किया है, वो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर आकर भारत के अचिंत शिवली ने। भारत के
अचिंत शिवली ने अभी अपना पहला अटेम्प्ट नहीं लिया है। पहला अटेम्प्ट उन्होंने एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज किया, 166 के लिए जा रहे हैं, तो 166 और 143 यानी के 309 पर पहुंच जाएंगे और ये गोल्ड के लिए फिलहाल नाकाफी होगा, लेकिन बाकी जो दो लिफ्टर्स की लिफ्ट्स पूरी होने के बाद उनका गोल्ड मेडल सील हो जाएगा। बिल्कुल कामयाबी के साथ पूरा किया पहले ही अटेम्प्ट में 166 किलो भारत के अचिंत ने, और सबसे बड़ी बात इनके चेहरे पर जो सुकून का भाव है इस लिफ्ट के बाद वो अद्भुत है, वो उनके जज्बे को दर्शाता है, उनकी एकाग्रता को बताता है। 9 किलो तो वो स्नैच में ही आगे थे। अचिंत शिवली आ गए हैं, 4 किलोग्राम इंक्रीज किया है, अगर कामयाब हुए तो 313 यानी कि 10 किलोग्राम की लीड बन जाएगी इनकी मलेशियन पर। बिल्कुल, मलेशिया के हिदायत मोहम्मद ने अपना दूसरा लिफ्ट 172 पर रखा है, 7 केजी इंक्रीज किया है और वो भी एक दुस्साहस की श्रेणी में आ सकता है। यहाँ 170 किलो उठा रहे हैं अचिंत, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस प्रयास को किया, क्लीन, बिल्कुल क्लीन दिखाई दिया, वक्त ले रहे हैं, अपनी ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन 170 किलो के जग के दौरान उनकी लिफ्ट नाकामयाब रही। हालांकि अब भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं अचिंत, इसमें कोई शक नहीं, इस फेल्ड लिफ्ट के बावजूद। सब कुछ निर्भर करेगा कि हिदायत मोहम्मद क्या करेंगे, उन्होंने 7 किलोग्राम इंक्रीज किया है। टॉप 3 में तो ये रहने वाले हैं, लेकिन मेडल का रंग सुनहरा हो यही आशा है। आखिरी अटेम्प्ट 170, अगर कामयाबी मिलती है तो 313 एक बड़ी चुनौती रख कर जाएंगे बाकी दोनों अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए। हाथ सबके प्रार्थनाओं में हो। 170 केजी का तीसरा अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया क्लीन किया है, कम से कम दूसरी बार की तुलना में। चर के लिए गए और कामयाब हो गए शिवली, अचिंत शिवली कामयाब 170 केजी पर, और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा औपचारिक तौर पर, कि उनका गोल्ड तकरीबन पक्का हो चुका है। मलेशिया और इंग्लैंड के जो दो लिफ्टर्स हैं उन्होंने जो अपने सेकंड और थर्ड वेट में जो इंक्रीज किया है वो काफी है, वो बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से अचिंत की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं इस तीसरे कामयाब लिफ्ट के बाद। क्या मलेशिया के ये लिफ्टर हिदायत मोहम्मद 176 केजी का वजन उठा पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है, और इसके साथ ही भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है। अचिंत शिवली ने गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत के, भारत को मिला वेटलिफ्टिंग के अंदर तीसरा गोल्ड मेडल। अचिंत शिवली ने यह बता दिया कि साधनों की कमी आपके जज्बे पर भारी नहीं हो सकती। कितनी शानदार तरीके से उन्होंने इस इवेंट को जीता और कितने धीर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बधाई अचिंत को, बधाई।